हेलो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं लबासना का क्लासरूम है। तो जो फेज़ वन की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, यूपीएससी पास होने के बाद जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे उनको कोई भी मिले कैडर, तो उनका जो फेज़ वन की ट्रेनिंग है उनकी जो क्लासेस होती हैं लबासना में, वो इस तरह के हॉल्स में होती हैं। काफ़ी बड़े बड़े हॉल्स होते हैं और यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो इससे होती प्रोजेक्टर से होती है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि भारत जो दर्शन होता है उसके लिए सभी स्टूडेंट्स जाते हैं, इसमें भी सारे लोग जाते हैं, चाहे उनको कोई भी मिला हो कैडर, आईएएस से कोई भी मिला हो, रेलवे या कुछ कोई भी जो कैडर है मिले। तो जो इसमें भारत दर्शन होता है वहाँ पर पूरे इंडिया में का टूर होता है और वहाँ पर जो बेस्ट जगह है पूरा इंडिया में, डिफरेंट जगह है वहाँ पर लोग जाते हैं। तो वहाँ का जो स्टे है उस टाइम पर वो कुछ इस तरह का होता है। ये एक होटल स्टे है वो हम देख रहे हैं। कुछ जगहों पर होटल स्टे होता है, कुछ जगहों पर जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उनके गेस्ट हाउस रहते हैं वहाँ पर स्टे करने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो बड़े गेस्ट हाउस होंगे तो ही वहाँ मिलता है, क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। तो बाकी जगहों पर क्या होता है कि होटल का स्टे मिलता है। तो ये बॉम्बे का होटल स्टे है वहाँ पर, इसमें शेयरिंग जो रूम है इस तरह से मिलता है कि दो लोगों को एक रूम शेयरिंग जो बेसिस पे मिलता है, और इसका जो भी खर्चा आता है वो सारा गवर्नमेंट इसको करती है बेयर। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये पूरा टूर करवाया जाता है इसका, भारत जो हिंद दर्शन है वो। ये अच्छा स्टे हमेशा देते हैं, होटल वगैरह जो हैं वो अच्छे होटल मिलते हैं या जो गेस्ट हाउस हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और बहुत अच्छा ये जाता है टूर। मैं आपको जस्ट एक ये होटल का इंटरनल वाला जो एरिया वो दिखा रहा हूँ कि जस्ट ये अच्छा जो है टूर के टाइम पर स्टे के दौरान जो होटल मिलता है उसका स्टे है। तो दोस्तों, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।